दोस्तों नमस्कार, सर कैलाश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं बात करूंगा 30 सितंबर दोपहर यानी सेकंड शिफ्ट का जनरल नॉलेज का पेपर जेल पहरी का। दोस्तों इस पेपर के माध्यम से हम अनुमान लगाकर तैयारी कर सकते हैं। और लीजिए पहला क्वेश्चन, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो HRD मंत्रालय है ने घोषणा किया है कि भारत की दो सबसे लोकप्रिय प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसे हम संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी JEE और राष्ट्रीय योग्यता और प्रवेश परीक्षा NEET जिसे कहते हैं निम्न द्वारा आयोजित की जाती है, यानी इनका आयोजन कौन सी संस्थान करता है? क्या भारतीय माध्यमिक शिक्षा प्रमाणन करता है, या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा की जाती, या राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा की जाती है, या यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा आयोजित की जाती है? और सही जवाब आपको देना है, और सही जवाब है इसका बिल्कुल कि यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जिसे हम NTA कहते हैं उसके द्वारा यह परीक्षा दोनों परीक्षाएं JEE और NEET की आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तुमकुर जिले से सूखा प्रभावित पावागढ़ क्षेत्र में 2000 मेगावाट MW की कुल क्षमता वाले प्रथम चरण शक्ति स्थल सौर पार्क का उद्घाटन हुआ जो किस राज्य में स्थित है? आपको यहाँ बताना है कि जो सौर्य यहाँ पे पार्क है इसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है जिससे 2000 मेगावाट क्षमता का यहाँ पे प्रभावित क्षेत्र है वहां पे यहाँ सौर पार्क स्थापित किया गया है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और तेलंगाना में। और सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में, इसका सही जवाब बिल्कुल आप दे रहे हैं कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के तीसरे मुख्यमंत्री थे? अब आपको देखना तीसरे, कैलाशनाथ काटजू, श्री भगवंत राव मंडलोई, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा या पंडित रविशंकर शुक्ल। और तीसरे नंबर के जो थे वो सही जवाब यहाँ पे आ जाएगा कैलाशनाथ काटजू जो थे वह तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, घूमर आप जानते हैं किस भारतीय राज्य का पारंपरिक सामाजिक लोक नृत्य है? राजस्थान का, गुजरात का, असम का या पंजाब का? और जो घूमर है वह राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध सामाजिक लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर पांचवा, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा जागो ग्राहक जागो, आपने देखा है ये बहुत ही लोकप्रिय नारा और हर टेलीविजन और रेडियो में ये प्रसारण किया जाता था, जागरूकता अभियान चलाया गया? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी जिसे हम सेबी कहते हैं इसके द्वारा, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित यानी NAFED द्वारा, या फिर खाद्य और कृषि संगठन द्वारा, या वायदा बाजार आयोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन द्वारा? और सही जवाब हो जाएगा यह है वायदा बाजार आयोग द्वारा यह चलाया गया था जिसे हम फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर छठवा, प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को वर्थ खालिस्थान में आयोजित किया गया था, अर्थात सबसे पहला चुनाव किस वर्ष किया गया था? 92, 52, 53 में, 51, 52 में, 50, 51 में या 50, 52 में? और सही जवाब हो जाएगा हमारा 51, 52 में, और 51, 52 से ही प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर सातवा देखिए, मध्य प्रदेश में सिरोंज शहर, जो शहर आप जानते हैं सिरोंज भूकंपी देवास जिले में है, तो सिरोंज भूकंपी क्षेत्र वर्गीकरण के खालिस्थान के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र फर्स्ट कहलाता है, क्षेत्र फिफ्थ कहलाता है, क्षेत्र सेकंड कहलाता है या क्षेत्र
थर्ड कहलाता है। कौन सी जोन में यह आता है? और यह जोन सेकंड में आता है। यहाँ पे भूकंप क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार यहाँ इसे सेकंड जोन में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, जैन साधु तरुण सागर, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा और बहुत ही संत हैं ये, जैन गुरु हैं। उन्होंने का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में हुआ था, देवास, मुरैना, दमोह या आगर मालवा में। और सही जवाब हो जाएगा दमोह में। जैन गुरु हमारे साधु तरुण सागर महाराज जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में निजीकरण किया गया पहला रेलवे स्टेशन यहाँ स्थित है। जो प्राइवेटीकरण हुआ है रेलवे स्टेशन का, वो पहला कौन सा है? इटारसी, गणेशगंज, हबीबगंज या खजुराहो। और सही जवाब हो जाएगा हमारा हबीबगंज। आप जानते हैं भोपाल में जो हबीबगंज स्टेशन है उसे सबसे पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश में जापानी औद्योगिक टाउनशिप खालिस्तान में स्थापित की जाएगी, पीथमपुर में, सिंगरौली में, कटनी में और बीना में। और सही जवाब है पीथमपुर में टाउनशिप स्थापित की जाएगी, जापानी औद्योगिक टाउनशिप के नाम से स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय कितनी राष्ट्रीय वार्षिक योजनाएं अब तक प्रस्तावित की गई है? आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय वार्षिक योजना जो बनी है वो कितनी प्रस्तावित की गई, 7, 5, 4 या 6। और सही जवाब हो जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश के किस जिले में नौरादेही अभ्यारण स्थित है? नौरादेही जो अभ्यारण है वह किस जिले में है ये बताना है, बघेलखंड में, ग्वालियर में, सागर में या रीवा में। और यह है सही जवाब हो जाएगा सागर, जो है सागर में नौरादेही अभ्यारण स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? 2018 में फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट कहाँ आयोजित किया गया था? इंदौर में, उज्जैन में, ग्वालियर में या भोपाल में। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर इंदौर में। जो इंदौर शहर है यहाँ पे फ्रेंड्स ऑफ एमपी समिट आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़ों का नाम बताइए, अर्थात रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित जो रेशम और सूती धागे के कपड़े बनाए गए हैं उन्हें यहाँ पे बताना है, माहेश्वरी साड़ी, टशर साड़ी, बाटिक प्रिंट या नंदना प्रिंट। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर माहेश्वरी साड़ी। रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा संरक्षित रेशम और सूती धागे के साथ बुने हुए कपड़े का नाम है माहेश्वरी साड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 के वार्षिक शासकीय स्वच्छ सर्वे में दूसरे स्थान पर रखे जाने वाले शहर का नाम बताइए, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा हमारा भोपाल। क्वेश्चन नंबर 16, पंडित शिव कुमार शर्मा किस शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं इन्हें यहाँ पे बताना है कि ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, उस्ताद हैं इसके, सितार, शरोद, संतूर या वीणा। और सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे संतूर। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में से कौन मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है, अर्थात मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? दूधराज या सुल्तान बुलबुल, यानी जिसे हम एशियाई पैराडाइज फ्लाई कल्चर कहते हैं, दूसरा महाधनेश, तीसरा गोंडावन, तीसरा चौथा नीलकंठ। और सही जवाब हो जाएगा दूधराज या सुल्तान बुलबुल, जिसे हम कहते हैं एशियाई पैराडाइज फ्लेक्चर, यह राजकीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है?
कछुए की प्रजाति यहाँ पे बताना है, और जियो कैलोन एलिगेंस, कचुगा डोंगो और नीलस सोनिया हुरूम या चित्रा इंडिका। और यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा जियो कैलोन एलिगेंस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हमारा। और देखिए क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किस सरकारी संस्थान ने भारत में कृषि अवशिष्ट के प्रतिशत का अनुमान लगाया? खाद्य और कृषि संगठन का, दूसरा केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित का, या फिर वायदा बाजार आयोग का। और सही जवाब हो जाएगा हमारा केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के तलछट से बनी होती है? यानी आपको मिट्टी बताना है जो नदियों के तलछट से बनी होती है एवं जिसमें पोटाश अधिक लेकिन फास्फोरस कम होता है। लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल और पीली मिट्टी। और सही जवाब हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।